फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ग्रीन चिली ग्रेवी। हमें चाहिए 5 बड़ी हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून खसखस, सूखा नारियल 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मूंगफली कच्ची, प्याज स्लाइस में कटा हुआ 2 प्याज, 3 लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जीरा, 5 से 6 कड़ी पत्ता, टमाटर जिसका हम पेस्ट बनाने वाले हैं। इसको पहले अच्छे से रोस्ट कर लेंगे पैन में। इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हो चुका है हमारा सूखा नारियल और पीनट। इसको टमाटर के साथ पीस लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, मिर्ची को फ्राई कर लेंगे। मिर्ची फ्राई हो गई, इसे निकाल लेंगे। ग्रेवी बनाएंगे, इसमें डालेंगे जीरा, पिंक पत्ता, सूखी लाल मिर्च, प्याज। प्याज को लाल होने देंगे। हमारा प्याज लाल हो गया है। इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट। एक टेबल स्पून इसमें टमाटर, खसखस, सूखा नारियल और सिंगदाने की पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। तेल छोड़ने तक भूनेंगे। अब इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर,
मसाला भून लिया, इसमें थोड़ा सा लाल रंग डालेंगे। ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आया है। इसमें पानी डालेंगे, इसमें बारीक कटी धनिया पत्ती डालेंगे, इसमें मिर्ची डाल देंगे तली हुई, अच्छे से उबाल आने तक पकने देंगे। इसमें नमक डालेंगे, ग्रेवी के गाढ़ा होने तक पकने देंगे इसे। हमारा मिर्च का सालन तैयार है, इसे सर्व करेंगे बिरयानी के साथ।